जय माता दी। दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माता रानी के सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमन। दोस्तों, माता रानी का जयकार आप सभी जरूर से लगाएं ताकि माता रानी की कृपा आपके पूरे परिवार को मिल सके। दोस्तों, हम सभी माता रानी की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की पूजा करते हैं। प्रथम दिन बहुत ही विधि विधान से घट स्थापना करते हैं, साथ ही लगाते हैं जवारे। दोस्तों, जवारे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि जिस घर में जवारे अच्छी तरीके से फलीभूत होते हैं, हरे भरे जवारे उगते हैं, उस घर में पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी की, माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है, घर में बरकत बनी रहती है। और दोस्तों, साथ ही माता रानी इन जवारों के माध्यम से हमें आने वाले समय का संकेत भी देती है। इसलिए दोस्तों, इन ज्वारों को हम बहुत ही अच्छी तरह से लगाना चाहते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने कभी कोई गलती हो जाती है जिससे ज्वारे अच्छे से नहीं उग पाते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जब भी आप ज्वारे लगाएं तो बहुत ही ध्यान से लगाएं। इनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ज्वारे कैसे लगाने चाहिए, इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लें। लेकिन दोस्तों, सावधानी बस, या जाने अनजाने अगर आपके जवारे अच्छे से नहीं उग पाए हैं, अच्छे से ग्रो नहीं हो पाए हैं, क्योंकि दोस्तों अगर जब जवारे अच्छे से उगने होते हैं तो 2-3 दिन में ही उनमें अंकुर अच्छे से निकल आते हैं, लेकिन अगर अंकुर निकल आने के बाद में उसकी ग्रोथ रुक जाती है, बढ़ते नहीं है, पीले पड़ जाते हैं, उनमें बदबू आने लगती है, यानी कि अंदर ही जवारे जो अनाज है वो सड़ गया है, तो ये बहुत ही नेगेटिव संकेत माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस दशा में हमें क्या करना चाहिए? जो हो गया उस गलती को हम सुधार तो नहीं सकते, तो उस दशा में क्या फिर से जवारे लगाए? तो नहीं, जवारे आपने फिर से नहीं लगाने। दोस्तों, उस दशा में जो माता रानी का संकेत आपको मिला है, उस संकट से अपने घर को बचाने के लिए आपने प्रयास करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों, घर में आपने सभी जगह गंगा जल का छिड़काव करना है, साथ ही माता रानी के नवकार मंत्र ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का जाप आपने करना है। दोस्तों, इससे जो भी कोई संकट होगा वो खुद ब खुद दूर हो जाएगा। माता रानी से आप क्षमा मांग लें और साथ ही माता रानी से आप कृपा के लिए जो है प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हमसे जो भी जाने अनजाने जो गलती हुई उसके लिए हमें क्षमा करें, साथ ही हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो इस तरह से प्रार्थना करें। दोस्तों, ये जवारे एक तरह से आपको संकेत देते हैं कि हमारा जो समय है वो कैसा आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपके जवारे भी अगर खराब हो रहे हैं, अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं, हरे भरे जवारे, नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, 9 दिनों में देखिए इस तरह से पूरे हरे भरे जवारे जो हो जाते हैं, और साथ ही दोस्तों जवारे जो है वो हरे भरे होने के साथ में जो उनका नीचे का जो पोर्शन है वो सफ़ेद होना बहुत ही शुभ माना जाता है, वो पीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। इससे बहुत ही अच्छी तरह से आपने जवारे लगाने, और साथ दोस्तों अगर आपकी जवारे हरे भरे नहीं है तो आपने उपाय कर लेना है, माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर जरूर से कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, और साथ दोस्तों माता रानी का जयकार आपने जरूर से लगाना है। बोलो अम्बे मात की जय।